आज हम सीखेंगे कि देना बैंक का केवाईसी फॉर्म, अगर आप नया या अपडेट करवा रहे हैं तो इसका फॉर्म किस तरह भरते हैं। तो वह देना बैंक का केवाईसी फॉर्म है, तो आप यहां देख सकते हैं कार्यालय उपयोग हेतु, तो यहां आवेदन का प्रकार है, इसमें नवीन में आप टिक लगा दें। तो एक चीज़ और बता दूँ कि ये फॉर्म पूरा हिंदी में है, तो समझ लीजिए कि किस तरह आपको इसे इंग्लिश में भरना है। तो केवाईसी संख्या छोड़ देंगे, खाते का प्रकार सामान्य में टिक लगा देंगे। यहाँ आता है एप्लीकेंट डिटेल, जिसे हम व्यक्तिगत विवरण पूछा है, नाम या जो भी उपनाम टाइटल लगा सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिख देना है। उसी तरह फादर के केस में भी उनका अपने टाइटल और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फादर का नाम लिखना है। अपनी मदर का नाम टाइटल के साथ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। लिंग में पुरुष या महिला जो भी है टिक लगा सकते हैं। वैवाहिक स्थिति में अगर शादी हो चुकी तो विवाहित, अगर अनमेरिड हो अविवाहित तो टिक लगा सकते हैं। नागरिकता में भारतीय में टिक लगाएंगे। निवासी स्थिति में जो है पहला ऑप्शन आप देखते हैं, विधिगत निवासी में आप टिक लगाएंगे। रोजगार प्रकार, जिस जो भी आपके जिस भी क्षेत्र में आते हैं, पेशावर हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ तो मैंने विद्यार्थी पर टिक लगा दिया है। यहाँ पे ग्राहक प्रकार पूछा है, तो यहाँ वरिष्ठ नागरिक है, आवश्यक है, माइनर है, तो यहाँ पे आप किसी भी अगर श्रेणी में नहीं आते तो इंडिविजुअल लगा दीजिएगा, जैसे मैंने टिक लगा रखा है, और यहाँ पे अदर्स में हो जाएगा। अगर इंडिया से बाहर रहते हो उस कंडीशन आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, इंडिया अंदर रहते हो तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आपको अपनी पहचान पत्र के तौर पर, आइडेंटिफिकेशन के तौर पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ये कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट सकते हैं बैंक को, इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं क्योंकि पैन कार्ड यूज़ करूँ तो उसके सामने पैन कार्ड का नंबर यहाँ भर देना है। फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यूज़ करें तो उसकी बाकायदा आपको एक्सपायरी डेट भी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एड्रेस की डिटेल डालनी है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फोटोकॉपी। फिलहाल मैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा रहा हूँ, तो मैंने टिक लगा दिया। आप चाहे तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, आपको वही एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। नीचे अलग एड्रेस नहीं डालना है। जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ करें उस पर जो एड्रेस है आपको वही एड्रेस यहाँ पर नीचे डाल देना है। जिले में सिटी का नाम, देश में इंडिया लिख दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, राज्य में स्टेट का नाम, और कस्बा शहर का में सिटी का नाम आपको डाल देना है। अब जानते हैं फॉर्म के सेकंड पार्ट में। वेल, फॉर्म के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे आपसे करंट एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपका करंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ सिंपली आप टिक लगा देंगे, तो ये कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका अलग एड्रेस है करंट एड्रेस, तो उसमें आप अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं। अगर इंडिया के बाहर रहते हैं, टैक्स देते हैं, तो इंडिया के बाहर का जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर इंडिया के अंदर रहते हैं तो ये कॉलम छोड़ दीजिएगा। यहाँ आपको अपना टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, टेलीफोन नंबर ऑफिस में है, फैक्स नंबर, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। संबंधी व्यक्ति का विवरण, अगर आप किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाए तो दूसरे इंसान की डिटेल आपको यहाँ भरनी है, सेम टू सेम जैसे आपने अपनी भरी। अगर आप सेल्फ अकाउंट है, सिर्फ खुद का अकाउंट है, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। यहाँ दूसरे इंसान की डिटेल, आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस का प्रूफ मांगा है, तो अगर जॉइंट खाता है तो दूसरे इंसान अपनी डिटेल, आइडेंटिटी के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता है वो टिक लगा सकता है, उसके सामने उसका सीरियल नंबर डाल देना है। सेल्फ अकाउंट है तो ये कॉलम नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ डिक्लेरेशन है, यहाँ आपको डेट डाल देनी जिस दिन फॉर्म जमा करेंगे, स्थान, सिटी का नाम, और यहाँ आपको साइन कर देना है। साइन वो करना है जो बैंक में आपने दिया है टाइम अकाउंट ओपनिंग के। और नीचे कार्यालय उपयोग हेतु सब है, तो ये आपको नहीं भरना, ये बैंक ऑप्शन भरेंगे आपके भी आप। बस इतना करने के बाद आपको जमा कर देना है बैंक में, आपकी KYC हो जाएगी अपडेट। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।